हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक कट क्रीज ग्लिटरी आई मेकअप। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे अपना आई बेस। हम एक लेंगे ट्रांजिशन कलर और इसको ऑल ओवर आईज पे आपको अप्लाई करना है अपने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। फिर हम लेंगे एक डार्क मॉव कलर अपने स्मॉल ब्रश के साथ और इसको क्रीज लाइन फॉलो करते हुए ऑल ओवर क्रीज पे आपको अप्लाई करना है। फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे अपने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। फिर हम करेंगे कट क्रीज इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर। कट क्रीज करने के बाद मैंने एक पीच कलर लिया है और इसको किया है लॉक। फिर हमने सेम कलर लिया है आउटर कॉर्नर पे और इसको हमने डायगनली ब्लेंड किया है। फिर मैंने एक लाइट ब्राउन कलर लिया है और उसको आईबॉल तक ब्लेंड किया है। फिर मैंने एक फ्लैट व्हाइट कलर लिया है और इसको डिपॉजिट किया है इनर कॉर्नर पर। फिर मैंने एक सैटन कलर लिया है, यह है गोल्डन कलर का, और इसको मैंने डिपॉजिट किया है आईबॉल पे। फिर मैंने अप्लाई किया अपने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ टू वे जेल। फिर मैंने यहाँ पे ग्लिटर फॉल किया है, देन फिर मैंने ग्लिटर्स को सेट किया है। फिर हम अप्लाई करेंगे जेल लाइनर, फिर हम अप्लाई करेंगे आईलैशेस, फिर हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। मस्कारा अप्लाई होने के बाद हम अप्लाई करेंगे काजल। जो मैं काजल यूज़ कर रहा हूँ ये है रेवलॉन का ब्लू काजल। जब आपका ऑल ओवर मेकअप कम्प्लीट हो जाए फिर उसके बाद हम करेंगे मेकअप फिक्सर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया हमारा मेकअप कम्प्लीट। और ये आई मेकअप का लुक आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय।